हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी है और क्यों करनी है, और उसके साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो मैं आज फिर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे मैं साइड पे लिख के दे देता हूँ। साइन कोई भी एंगल, जैसे ये ट्राइंगल है आपका, ये जो एंगल होता है, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये जो इसके साथ जो एंगल बनेगा, एंगल के साथ जो साइड आएगी एडजेसेंट साइड, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो सिमिलरली साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। फिर जो होगा वो हमारे को देखना है कि जैसे कोसेक ए, ये ऑपोजिट होता है साइन ए के, सेक ए इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, एंड कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए। जो भी वैल्यूज आएंगे उसका ऑपोजिट होगा। तो आज ये क्वेश्चन बोल रहा है गिवन टेंजेंट 4/3 गिवन है, और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो हमें क्या निकालना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो टेंजेंट थीटा, पहले तो टेंजेंट का हम लेंगे टेंजेंट सॉल्यूशन, टेंजेंट ए 4/3। तो ड्रॉ द डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम, हम एक डायग्राम बनाएंगे उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल हो रहा है ए, तो हमारा एंगल होगा यहाँ ए, तो ये हमारा बी हो सकता है, ये सी, ये एंगल बना एक्यूट एंगल बनेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये टिल पेंटेड ब्लैक, तो क्या होता है टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या आया हमारे पास, पी इज इक्वल टू 4, दिस इज योर 4 3, ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास बेस 3 थी। अब हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बी स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू E कितना है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4BC स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये हो गया 12A स्क्वायर प्लस 9A स्क्वायर। तो हमारे पास A कॉमन आ गया प्लस नाइन ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना आया हमारे पास, इसको दोनों को प्लस किया ए बेस इज योर थ्री एंड
hypotenuse is here 5. Tangent is equal to perpendicular till painted black. क्या बना? Perpendicular कितना आया? 4/3. Next. Next is your cosec 1/sin cosec t. इसका opposite लिखेंगे हम सीधा 5/4 sec a 1/cos a is equal to 5/3 and cot a is equal to 1/tangent a is equal to 3/4. Then this is your cot trigonometric ratio 1.